जनरली जब हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्रीज कर रहे होते हैं तो हम जिस पार्टी से हमें पेमेंट आई है हम उसको एक रिसिप्ट भी प्रिंटेड फॉर्म में देना चाहेंगे कि मींस एंट्री करने के बाद हमने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करी, उसके बाद एक रिसिप्ट जनरेट करी कि अमाउंट रिसीव हो चुकी है, उसकी हम प्रिंटिंग निकाल के उस पार्टी को पे दे सकते हैं। तो वो कैसे हम करें, यहां अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं हम, एंटर, रिसिप्ट करने से पहले, रिसिप्ट की एंट्री करने से पहले हमें एक चीज, एक सेटिंग्स चेक करनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के अंदर, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के अंदर हम जाएंगे वाउचर टाइप्स पे, वाउचर टाइप्स के अंदर अल्टर पे, और रिसिप्ट वाउचर को अल्टर करेंगे, एंटर 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 एंटर। यहां एक ऑप्शन है प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर या प्रिंट फॉर्मल रिसिप्ट आफ्टर सेविंग वाउचर, मैं यस कर देता हूं, ये प्रिंट फॉर्मल रिसिप्ट आफ्टर सेविंग वाउचर, एंटर एक्सेप्ट। ये मैंने रिसिप्ट वाउचर को मॉडिफाई कर दिया, यानी जब भी मैं एंट्री करूंगा उसके थोड़ी देर बाद प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी और जो रिसिप्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। तो मैं अब आता हूं अकाउंटिंग वाउचर में, एक रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करता हूं। जैसे मैंने लोन लिया है, लोन भी नहीं, बेटर है फर्नीचर से रिलेटेड ही कर देते हैं। मान लो हमने किसी आम पार्टी को फर्नीचर परचेज किया, मतलब सेल किया, वो कोई भी पार्टी हो सकती है, हम उसको रिसिप्ट दे रहे हैं काट के कि हमें आपसे पैसा रिसीव हो चुका है, मैंने फर्नीचर सेल किया 300 का बाय कैश, कैश नेम ऑफ रिसिप्ट यहां पे हम दे रहे हैं, जैसे कि पेमेंट रिसीव्ड ऑन फर्नीचर सेल, एंटर। नरेशन लिखनी है, लिख दो, नहीं तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अभी देखो एकदम शुरू हो गया वाउचर प्रिंटिंग, रिसिप्ट प्रिंटिंग की शुरू हो गई। यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, प्रिंटर सेलेक्ट करना, कितनी कॉपीज निकालना चाहते हो, प्रिंट का फॉर्मेट कैसा हो, हम इनके बारे में आगे कभी डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं प्रिंटिंग शुरू कर रहा हूं,